उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल खुलता है, लेकिन मॉल की ओपनिंग के चार दिन बाद ही धर्म का विवाद खड़ा हो जाता है। मॉल के अंदर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें 9 लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मॉल में नमाज का सीसीटीवी वीडियो देखकर हिंदू संगठन भड़क उठते हैं और लुलु मॉल के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। मॉल को बंद करने के लिए नारेबाजी शुरू हो जाती है। हिंदू संगठन धमकी भी देते हैं कि अगर मॉल में नमाज हुई है तो हनुमान चालीसा भी होगा। और फिर 2 लड़के मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आते हैं। 14 जुलाई को लुलु मॉल में नमाज का वीडियो सामने आता है और 16 जुलाई को 2 लड़के मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वीडियो रिलीज करते हैं। अब तक आपने ये सब देखा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि देश को हर खबर की हकीकत जानने का हक है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि अब लुलु मॉल में नमाज को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या लुलु मॉल में नमाज किसी साजिश के तहत पढ़ी गई? क्या लुलु मॉल में 9 लोग सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ही आए? लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले ये लोग कौन हैं? कहां के रहने वाले हैं? क्या इन लोगों ने जानबूझकर नमाज पढ़कर वीडियो वायरल किया? क्या लुलु मॉल में इसलिए नमाज पढ़ी गई कि उसके मालिक मुस्लिम है? लुलु मॉल में 18 सेकंड में नमाज पढ़ने के पीछे सच क्या है? जिन लोगों ने लुलु मॉल में नमाज पढ़ी, क्या उनका तरीका सही नहीं था? जी हाँ, लखनऊ के लुलु मॉल में पढ़ी गई नमाज को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। हमने भी नमाज का सीसीटीवी वीडियो बेहद बारीकी से देखा। वीडियो में आप देख सकते हैं, एक लाइन में 8 लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने नमाज पढ़ाने वाला बैठा है। 8 लोग एक दिशा में बैठे हैं और नमाज पढ़ाने वाले का डायरेक्शन कुछ और है। लुलु मॉल के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक नमाज पढ़ने वालों ने महज 18 सेकंड में पूरी नमाज पढ़ी, जबकि एक वक्त नमाज पढ़ने पर आमतौर पर 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है। अब सवाल यही है कि क्या साजिश के तहत नमाज पढ़ी गई? हमने लुलु मॉल का ये वीडियो मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफियान निजामी को दिखाया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस वीडियो से वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुलिस का जो बयान आ रहा है या जो सीसीटीवी की फुटेज हैं, उनके आधार पर ये बात कही जा रही है कि वो नमाज 18 सेकंड में पढ़ ली गई और नमाज पढ़ने वाले मॉल में दाखिल हुए, उन्होंने सिर्फ नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के फिर सीधे बाहर चले गए। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि लुलु मॉल को जिस तरीके से एक मुसलमान शख्स के साथ उसका ताल्लुक़ है और यूसुफ़ अली साहब जो उसके ज़िम्मेदार हैं, उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया गया है। और सूबे उत्तर प्रदेश में नहीं, नमाज अदा करने का तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं है। 18 सेकंड में जिस तरीके से नमाज अदा की गई, वो कौन सी नमाज है? ये किसी भी सूरत में शरीयत का हिस्सा नहीं हो सकती है। डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन यकीनी तौर पर अगर क़िबला रुख होगा तभी नमाज अदा की जाएगी, और अगर क़िबला रुख होकर इमाम खड़ा होगा तभी उसकी क़ियादत में नमाज अदा की जा सकती है। अगर क़िबला रुख नहीं है इमाम और डायरेक्शन क़िबला रुख इमाम का नहीं है, तो जाहिर है कि किसी की भी नमाज अदा नहीं होगी। और जहाँ तक देखने को में मिल रहा है कि इस तरीके की नमाज एक प्रोपेगेंडे के तहत और एक साजिश के तहत अदा की गई। वायरल वीडियो में नमाज पढ़ने की दिशा भी गलत बताई गई। भारत में नमाज हमेशा पश्चिम की तरफ मुंह करके ही पढ़ी जाती है, लेकिन जो नमाज पढ़ाने वाला इमाम है उसकी डायरेक्शन गलत है। नमाज पढ़ने वाला क़िबला रुख होकर नमाज पढ़े। क़िबला यानी मक्का मुकर्रमा, जहां पूरे दुनिया के मुसलमान जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज की बुनियादी शर्तों में से एक शर्त है। हिंदुस्तान में रहने वाला जाहिर है कि पश्चिम के रुख होकर नमाज अदा करेगा, चूँकि उसका डायरेक्शन है वो क़िबले की तरफ, तभी हो पाएगा जब वो पश्चिम के रुख होकर अदा करे। इसलिए अगर इससे हट कर कहीं कोई नमाज अदा करता है या उसकी दिशा के अलावा कोई नमाज अदा करता है, तो यकीनी तौर पर वो नमाज नहीं होगी, और कहीं ना कहीं वो नमाज एक तरीके से कमिलमी की बुनियाद पर और जहालत की बुनियाद पर पढ़ी जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो अब तक पुलिस की जांच में सामने आई है, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। जिन लड़कों ने मॉल में नमाज पढ़ी, वो पैदल ही शॉपिंग मॉल के अंदर दाखिल हुए थे, और मॉल के गेट से लेकर सड़क तक के लगे सीसीटीवी कैमरे को देखने पर ये पता चलता है। लुलु मॉल में नमाज अदा करने वाले लड़कों की पहचान लखनऊ पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। वजह साफ है कि जो लड़के नमाज अदा करते नजर आए,
वो बहुत सारी सावधानियां भी बरत रहे थे। वो ना तो मॉल में कुछ सामान खरीदने आए थे और ना ही किसी से मिलने, बल्कि वो सिर्फ नमाज अदा करने का एक छोटा सा वीडियो बनाकर दो हिस्सों में बंटकर बाहर निकल गए। और मॉल तक पहुंचने के लिए भी उन्होंने किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, यानी अपनी पहचान छिपाने की भरसक कोशिश इन लड़कों के द्वारा की गई। ऐसे में इनकी पहचान से ही लुलु मॉल में नमाज अदा करने के बाद जो विवाद खड़ा हुआ, उसकी साजिश बेनकाब हो पाई।